हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं कालीघाट में जो बादाम तल्ला है वहाँ हम लोग को जाना है। तो बादाम तल्ला हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो सिद्धार्थ कुछ बोल भाई, कैसा लग रहा है? ये मेरा दोस्त है, मैं अपना इंटरव्यू देता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह और ये मेरा बचपन का दोस्त जो SBS में स्कूल में साथ पढ़ता था। तो छोड़ दे वहाँ, क्या कहा बोले इसको, बोलिए। अरे तो भाई, मुझे अपना फ्यूचर तो थोड़ा डिसाइड तो करना होगा ना। अगर फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर बात समझ रहे हो ना, क्या कहना चाह रहे। तो इसलिए अभी हम लोग ये गाइस बोले थे कि कल बादाम तल्ला जाएंगे, तो आज इसलिए हम लोग बादाम तल्ला जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं बादाम तल्ला का पंडाल। तो फाइनली गाइस, लाइन यहाँ से चालू हो गया बादाम तल्ला का, और ये हमें रास्ता और हम लोग गाइड कर रहे हैं प्रेम सिंह। प्रेम सिंह, प्रेम देख, इधर देख। हाँ, ये क्या लग रहा है, रास्ता बताएगा गाइस। देखिए यहाँ पे पान मसाला का ऐड हो रहा है। हम लोग बादाम तल्ला से ख़त्म किए तो दूसरा पंडाल हम लोग देखें। दूसरा पंडाल जब देखने के बाद, वो आधा घर था ओरिजिनल का और आधा पंडाल का डेकोरेशन किया था। तो गाइस, वो बहुत अच्छा था। हम लोग अंदर गए तो देखे कि पहले बाहर से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर अंदर गए तो बहुत अच्छा लगा। और ये हम लोग अब तीसरा पंडाल आ रहा है। तो जैसे गाइस हम बोले तीसरा पंडाल, तो तीसरा पंडाल भी लग रहा बहुत अच्छा बना है। ये ये देख सकते हो ऊपर, ये क्या बोलते हैं उसको, ये मतलब कुछ वो कुछ कर का, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ बनाते हैं वो लोग, उसका वो काम कर रहा है वो क्या बोलते हैं, जो सिल कुटता ना, जो वो जो हम लोग वही है सिल कुटते हैं, जो मसाला पीसते हैं। हाँ, बिहारी में पुराना जमाने में मसाला पीसा जाता था, वही है। देखिए गाइस, जस्ट फॉर एग्जांपल, आइए हम लोग चलते हैं अंदर में।
गाइस आप जैसे कि देख सकते हैं कि अभी बारिश थोड़ी सी रुकी है, तो हम लोग जा रहे हैं चौथा पंडाल देखने। तो आगे थोड़ा भीड़ है, तो चलिए दिखाते हैं आपको चौथा पंडाल कैसा बना। तो गाइस हम लोग चौथा पंडाल देखने आए और ये जगह का नाम है 29 पल्ली। तो देखिए गाइस, हे गाइस अब हम लोग जा रहे हैं देशोप्रियो पार्क और बहुत बारिश भी हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सब मजा मस्ती कचरा हो गया और क्या बोले, इतना बारिश हो रहा है। अब सोच रहे कि घर चले जाए या जाए देशोप्रियो पार्क, मगर देशोप्रियो पार्क के पास अब आ ही गए हैं। तो गाइस चलते हैं देशोप्रियो पार्क के पास। तो गाइस फाइनली हम लोग देशोप्रियो पार्क पहुँच ही गए इतना बारिश में, और सबका मन था देशोप्रियो पार्क देखने का। तो फाइनली गाइस हम लोग देशोप्रियो पार्क का पंडाल देख चुके हैं, और उसके बाद जब देख के निकले तो इतना बारिश होने लगा क्या मैं बोलूँ। मैं पहले नंबर तो मैं भींग गया, उसके बाद मेरा ब्लॉग भी पूरा क्या बोले, ब्लॉग भी मैं ठीक से नहीं बना पाया और मेरा फ़ोन भी बैटरी ऑफ हो गया पूरा, मैं तो भींग गया। फिर वहाँ से फिर दूसरा मैंने बस पकड़ा, अब घर आया। अभी घर आके मैं कपड़ों पर चेंज किया, तो गाइस फ़ोन चार्ज में लगाया। तो गाइस अब आज के लिए इतना,